राजधानी शिमला के गेटी थिएटर में आयोजित चित्रकला प्रदर्शनी का सोमवार को समापन हो गया। जिला शिमला के अंतर्गत पड़ते ननखड़ी के निवासी सुरेंद्र श्याम द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी का शुभारंभ प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने किया। शिमला के गेटी में ननखड़ी निवासी सुरेंद्र श्याम द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का सोमवार को समापन हो गया। स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन किया और जमकर सराहना भी की। सुरेंद्र श्याम ने पुराने मंदिरों और विलुप्त होती संस्कृति को चित्रों में प्रदर्शित किया है। सुरेंद्र श्याम का कहना है कि वो लगभग 18 वर्ष से चित्रकला के कार्य से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में बतौर शारीरिक शिक्षक कार्यरत होने के साथ साथ उनकी चित्रकला में भी काफी रुचि है। उन्होंने कहा कि लोग दिन प्रतिदिन अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और उसी विलुप्त होती संस्कृति से रूबरू करवाने के उद्देश्य से उन्होंने इस चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया। और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, शिक्षा विभाग में मैं जॉब करता हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और इसके साथ साथ मैं ये पेंटिंग्स का भी काम करता हूँ। लगभग 18 वर्ष हो गए हैं मैं तब से ये काम कर रहा हूँ। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ भाषा एवं संस्कृति विभाग का, जिन्होंने मुझे इसके लिए चयनित किया और मेरा ये एग्जीबिशन यहाँ पे गेटी में करवाया। इनका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और यहाँ पे इस एग्जीबिशन में काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। स्थानीय लोग जो यहाँ की जनता है उन्होंने काफ़ी सराहना की और जो टूरिस्ट थे उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया। लोग ऐतिहासिक जो हमारे मंदिर है, मैंने इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि एंशिएंट को लोग बोलते जा रहे थे। मैंने एक बार फिर से इसे मतलब अपनी संस्कृति को यहाँ लोगों के सामने अवगत करवाया है। लोग मॉडर्न आर्ट के पीछे ज़्यादा जा रहे हैं और एंशिएंट को भूलते जा रहे हैं। मेरी प्राथमिकता यही थी कि मैं इस चीज़ को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने ये जो ऐतिहासिक मंदिर है, धरोहर है, इन चीज़ को मैं आपके सामने प्रदर्शित करूं। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। अब इसके बाद मैं अगला एग्जीबिशन शायद मई में करवाना चाहता हूँ। आगे भी अच्छा काम करूँगा और इसके लिए मैं विभाग का फिर से तहे दिल से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।